बात होगी। पहाड़ों पे बिछी सफेद चादर की दूर तक नजर दौराने पे बर्फी बर्फ नजर आ रही है। इस बर्फबारी ने देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री और यमुनोत्री घाटी में बर्फ की मोटी परत जमी दिखी, जबकि बद्रीनाथ धाम का इलाका भी कुछ इसी तरह नजर आया। सैलानियों से गुलजार रहने वाले हर्षिल का श्वेत श्रृंगार हो चुका है। वहीं चमोली के फेमस हिल स्टेशन औली की रंगत देखने लायक है। वहां कुछ पर्यटक बर्फबारी के बीच क्रिकेट खेलते दिख जाएंगे, जबकि स्कीइंग के शौकीनों का तो ये फेवरेट डेस्टिनेशन है। अब जब पहाड़ों पे बर्फ काल शुरू हो चुका है तो तापमान ने गोता लगाया है, जिसका असर मैदानी इलाकों में शीतलहर के रूप में दिखाई दे रहा है। बर्फ से ढकी ये वादियां, पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार, गंगोत्री घाटी में स्नोफॉल, ये तस्वीरें जमीन पर किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि देवभूमि के पहाड़ों का कुदरत ने खुद श्रृंगार किया है। उत्तराखंड की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर ठंड का एहसास होने लगता है। पहाड़ी इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन उत्तरकाशी में हुई ताजा बर्फबारी का ये नजारा अद्भुत है। यहाँ बर्फबारी के बाद गंगोत्री घाटी चांदी की तरह चमक उठी है। नजरें जहाँ भी जाती हैं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मानो बर्फबारी ने उत्तरकाशी के पहाड़ों की रंगत ही बदल दी है। गंगोत्री घाटी के साथ ही यमुनोत्री धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई और यहाँ पूरी यमुनोत्री घाटी जमी हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही गौमुख भोजवासा में भी बर्फबारी के बाद का ये खूबसूरत नजारा देखते ही बन रहा है। मौसम में बदलाव के बाद उत्तरकाशी जिले के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, 3000 फीट से अधिक की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जहां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खुशीमठ खरसाली में बर्फबारी होने की सूचना है, वहीं हर्षिल जो कि गंगा जी का शीतकालीन प्रवास कहलाया जाता है, वहां पर भी बर्फबारी की सूचना है। और इसके चलते समूचा उत्तरकाशी जिला शीतलहर के आगोश में आ चुका है। इतना ही नहीं, जो निचला इलाका है वहां पर भी जो है आसमान पर बादल छाए हुए हैं और आने वाले समय में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज इन वादियों में बर्फबारी से न सिर्फ सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, बल्कि स्थानीय लोग भी स्नोफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं। आज खरसाली खुशीमठ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास में ये अचानक से बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है और संपूर्ण ये जीत क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है और बहुत ज्यादा ठंड का यहाँ पे एहसास हो रहा है। लोगों ने यहाँ पे आग लकड़ी वगैरह जला रखी है और बिना आग के बिना अलाव के यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। बद्रीनाथ धाम का भी नजारा कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। बद्री विशाल के धाम में कुदरत के श्वेत श्रृंगार से यहाँ भी खूबसूरती में और भी चार चांद लग गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से वादियों में रौनक लौट आई है। सैलानियों से वादियाँ गुलजार हो गई है, लेकिन अब इन इलाकों में शीतलहर का भी दौर शुरू हो गया है। बावजूद इसके प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए इन मनमोहक वादियों में हर कोई खो जाना चाहता है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, जोशीमठ से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज़ टुडे।